गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लाइन एजुकेशन विद विभा शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट फ्रेज। दिस इज द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हिंदी में इसे शब्द समूह या समुच्चय कहा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशंस एटसेट्रा इनके अगर नहीं देखे हैं तो ये भी जान लीजिए कि आपको ये चीज़ें कम समझ में आएंगी। फ्रेज एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसके लिए हमें ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट्स पहले ही पढ़ने पड़ते हैं, तो आप उनको ज़रूर जाके देख लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी कर दीजिए इस वीडियो को, अभी लाइक करके उसके बाद आप पूरा वीडियो आराम से बहुत केयरफुली देखिएगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहले तो ये जानेंगे कि फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। तो मीन्स है अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में एकदम से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स निकाले जिससे कि आप समझ जाओ आराम से। उसके बाद आप बुक में जब पढ़ोगे इसकी डेफिनेशंस वगैरह तो आपको आराम से वो याद हो जाएंगी, क्योंकि जब चीज़ हमारी समझ में आ जाती है तो उसको लर्निंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डज नॉट कंटेन अ फुल वर्ब। तो देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ करते हैं। एक तो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेकंड थिंग है डज नॉट कंटेन अ फुल वर्ब। दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पे फुल वर्ब कंटेन यानी कि नहीं होती है, यहाँ फुल वर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब साफ है कि एक से ज़्यादा इसमें वर्ड होंगे। ठीक, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे फुल वर्ब यानी इसमें वर्ब इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आ गया? तो फ्रेज एक ऐसा पार्ट है जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होगी। ठीक है, इस पार्ट में जो सेंटेंस होता है उसकी वर्ब नहीं होती है, यानी आप ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और ना ही आपको ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी एक्शन हो रही है। ठीक है, आपको पता है ना वर्ब टू टाइप की होती है। एक तो वो वर्ब होती है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिनकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि विच सेंटेंस इज़ इन विच टेंस, एंड द सेकेंड थिंग इज़ विच वर्क इज़ डूइंग और डन इन द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही वर्ब में से कोई भी वर्ब हो सकती है। अगर वर्ब नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, या तो वो स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर ओनली जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि फ्रेजेस की तरह ही वर्क करेगा। चलिए और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस मेनली जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट फ्रेजेस इज नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जीरंड फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज एंड इन्फिनिटिव फ्रेज। तो ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई ऑलरेडी टॉट टू यू ऑल, आई ऑलरेडी टॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज के साथ आए हैं तो आपके लिए फिर से उसको स्टडी करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है ना, तो जो टॉट किए हुए हैं आप उनको एक बार और पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे है द लिटिल बॉय। देखिए, नाउन वाले को समझ लेते हैं। नाउन आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द लिटिल बॉय यानी एक छोटा बच्चा। यहाँ पे कोई सेंस इसका नहीं निकल रहा है, एक छोटा बच्चा इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम इसमें ये वर्ब लगा देते हैं कि वॉच वॉच प्लेइंग, एक छोटा बच्चा खेल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सेंस बन जाएगा, एक छोटा बच्चा खेल रहा था। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, योर न्यू स्कूल यानी आपका नया विद्यालय, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, आपका एक नया विद्यालय। यहाँ पे क्या है, ग्रुप तो बन गया है लेकिन सेंस इसमें नहीं है बिकॉज इट हैज़ नो फुल वर्ब और एनी वर्ब। हम यहाँ वर्ब मेंशन कर देते हैं, इज़ ब्यूटीफुल, इज़ ब्यूटी फुल, देन इट इज़ ऑल्सो नाउ अ सेंटेंस। ठीक है, योर न्यू स्कूल
इज ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे वर्ब हो गई, यहाँ पे भी ये वर्ब आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये अब हमारे सेंटेंस बन चुके हैं और ये दोनों ही वर्ड हमारे क्या हो गए, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, फ्रेज हैं। तो हो गया ना पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह से वर्क, दोनों ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव मीन्स विशेषताएँ। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर, तो क्या मतलब हो गया इसका, ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा है, एडजेक्टिव है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इसका हमें सेंटेंस में यूज़ करना है, तो आप ये कह सकते हो कि आई नीड कोल्ड वाटर। तो आई नीड मुझे क्या है, मुझे मैं ठंडा पानी चाहता हूँ या ठंडा पानी चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। डार्क नाइट, सेकंड देख लीजिए, डार्क नाइट, तो यहाँ पे डार्क यानी कि गहरी रात्रि, तो गहरी रात्रि में हम यहाँ पे लगा देते हैं इट वॉज, अब देखो इट वॉज हो गया, तो यहाँ पे वर्ब मिल गया हमको, तो इट वॉज डार्क नाइट, ये भी हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है। होप्स हो कि आप समझ रहे होंगे। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वे वर्ड होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन अ पोलाइट वे, तो यहाँ पे वे क्या है, तरीका, पोलाइट कैसा है, विनम्र तरीका। तो देखिए इसकी विशेषता तो ये हो गई, ठीक है। अब इसकी भी विशेषता इन अ पोलाइट, तो यहाँ पे हमें जो और एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहे हैं, ये हमारे एडवर्ब बन जाता। तो यहाँ पे 1 2 3 4 फोर वर्ड से एक ग्रुप बन गया है, इन अ पोलाइट वे, यानी कि विनम्र भाव से, है ना, विनम्र भाव से कोई भी बात कही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही स्पोक, वह बोला, ही स्पोक इन अ पोलाइट वे, वह विनम्र भाव से बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब आ गई ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस जो बन गया हमारा, ही स्पोक इन अ पोलाइट वे, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पहचानेंगे, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश होना, खुश, ये भी हमारा क्या है, विशेषता है एक तरीके से, इसकी भी विशेषता बताने वाला वर्ड है सो, तो ये भी एडवर्ब हो गया। सो हैप्पी यानी बहुत ज़्यादा खुश, ठीक। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो अब इसका सेंटेंस बन गया ना, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। तो ये दो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, सभी सेंटेंस के, इन अ पोलाइट वे, तो ही स्पोक इन अ पोलाइट वे, आई एम सो हैप्पी। आप इनको सेंटेंस बनाकर अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो जो सेंटेंस हमने लिखा है ब्लैक वर्ड में, आप इसे लिख लीजिएगा और रेड वाले वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते जाइएगा, फिर से इनको एक बार पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज फ्रेसेस। अब जीरन देख लीजिए, जीरन मीन्स होता है एम वी प्लस आई एन जी, ठीक है ना, ये हमारे एडजेक्टिव और मतलब नाउन और प्रोनाउन की तरह यूज़ हो सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी, ठीक है, और मेन वर्ब की तरह भी। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जीरन देखिए, वॉच मीन्स होता है देखना, प्लस आईएनजी कर दी हमने, तो मेन एमवी प्लस आईएनजी यानी कि जीरन बन चुका है। वॉचिंग मूवी यानी कि फिल्म देखना, तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ वॉचिंग मूवी, फिल्में देखना, आई लाइक वॉचिंग मूवी। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक वॉचिंग मूवी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये सारे वर्ड हमारे जीरन फ्रेसेस हो सकते हैं। टेकिंग सम फूड यानी कुछ खाना लेकर, टेकिंग सम फूड, कुछ खाना लेकर, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं आई वेंट यहाँ पे लगाएंगे इसको, ठीक है, तो आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। तो टेकिंग सम फूड, खाना, कुछ खाना लेकर मैं बाज़ार चला गया। तो ये हमारे दोनों जो है सेंटेंस जीरन में आ जाएंगे। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशंस का मतलब आपको पता है कि पहले की पोजीशन
जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमें दिया है उसकी जो कंडीशन होगी उसको हम प्रीपोजिशनल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए विद हर मदर, तो हर मदर यानी कि वो मान लीजिए कोई पूछता है कि आपकी सिस्टर कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, ठीक है। तो विद हर मदर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो शी इज गोइंग, वह जा रही है विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। तो ये देखिए ये बन गया ना प्रीपोजिशनल, क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड क्या है, यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशनल है, प्रीपोजिशन है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ड कलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे देखिए फॉर भी हमारा प्रीपोजिशनल है, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो ग्रुप बना है वो है फॉर से स्टार्ट, फॉर राइटिंग एन एसे, ठीक है ना। तो आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा फॉर राइटिंग एन एसे, एक ऐसे खरीदने के लिए। अब पार्टिसिपल देख लीजिए, लॉस्ट पेन, खोया हुआ पेन, ब्रोकन फ्लावर पॉट, टूटा हुआ फूलदान, ठीक है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड, मुझे मिल गया मेरा खोया हुआ पेन, ब्रोकन फ्लावर पॉट, तो आई रिपेयर्ड, आई रिपेयर्ड, आई रिपेयर्ड माई ब्रोकन फ्लावर पॉट, मैंने अपना टूटा हुआ फूलदान फेंक दिया, ठीक है। लास्ट में है इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव का मतलब होता है मेन वर्ब से पहले टू लगना, टू सेव द वाटर, तो वी देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको टू सेव द वाटर, यानी पानी बचाने के लिए, तो क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू सेव द वाटर, वी शुड ट्राई टू सेव द वाटर, ठीक है। प्लस कर लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए टू किल द बर्ड, तो ही पिक्ड अप, पिक्ड अप अ गन टू किल द बर्ड, उसने पक्षी को मारने के लिए एक बंदूक उठाई। तो देखिए आई होप सो कि आप इनको लिख लीजिएगा, समझिएगा, इस तरीके से आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विच वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज फ्रेजेस और फ्रेजेस, वैसे तो एक ही सेंटेंस में एक ही फ्रेज यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन अगर कॉमा के साथ आएगा तो हो सकता है उसमें और भी ज़्यादा फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप बताइएगा, हम आगे चल के और भी इसके एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।